Thank you.
वसुदेव की एवं वसुदेव जन्मदाता आउ पालित बापा मा होचंदी नंद जशोदा आपणंकर जन्म वृत्तांतरा कहि दिउ लागि नै एबे त कहि दबो नै कहिसंदी हो आसन जन्म वृत्तांत तो कही ना से पचार जन्म वृत्तांत मोर जन्म वृत्तांत शुणी तो शुणे सभ्य जन्म ने मोर जन्म वृत्तांत साक्षात
श्रीमान सत्य मुदा के पराक्रम धीरा धीरा दर्शन हमर प्रसिद्ध नसीब खानो 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 व्यास देव गुरु वही अटल जी नाभी मोर नाम अर्जुन बिरा बिरंग परे चक्रवर्ती यहां उच्च मोर जन्म रे प्रताप भाया तू सुनिलु त यार यार तू तू छिड़ाई बोल हम तू 24 घंटा मो संगे छिड़ाई है घोड़ा का डेले बोलियो आय गो मामू सुनी दुवारी होतनी श्री कृष्ण आ दुवारी होतनी पुरुष हेले हा गो मामू आ गांडरे वाला ए जो गांडरे वाला मुनु के दिवला गो कौन है पचर जाए हां कौन ना पचर जुरे गांडरे वाला मुनु मु के दिवला आओ पुष्टम आबो तो गो गांडरे वाला मुंडरे लगे दी दी को गांडरे कारा हां गांडरे वाला किंद मुंडरो गलाली पचर छ जे कोन कहू छे ए भाईया कथा कोन मोरे पुछटा काहे मु से पुछटा लगे दी से कथा कहूनी आ मोर गांडरे से पकिरा भानी गांडरे वाला किंद मुंडरो गला इमिति कया कथा भद्रा में हिसाब रे कहि जसिना ये दुवारी दे हबो आज्ञा मयूर पुछड़ी भगवान कहीं मस्तक लगे से तो परम ब्रह्म नारायण कौन अभाव अच्छे जहाँ चाहिए लगे पारे गोटे मयूर पुछड़ी कहीं मस्तक लगे बाया पचारे दिन शिव राजा राजा हेले बहुत दिन धरिक राजा हेले चिंता कले मु बहुत दिन हला ए माया संसार रे पड़ी मोर जप तप सब किछ मु भूली जाई छी एले किछि दिन पई बोली मु तपस्या करबा को जेबी तपस्या करबा शिव भाबिले भाबिले तपस्या करबा को बोले एबे आमे किमि आज्ञा गां गन रे थीबा जदी आमे पर विदेश को जीवा एले परिवार कथा किए बुझिवो साई पड़सा रे ले का गए मु वर्ष दि वर्ष रहिकि आस्तो घर पर लक्ष्य को देखु नि कहिकि आस्तोनि आ एबे कोनो मो कथा त फुणा एबे मो कथा त फुणा मु एबे नाटो देखे मु मां पठे देला मो पीसा खाटे गिरि आइलि ना मो पीसा पर लकि ना मो मां शिव भाबिले मु जीवि तपस्या करबा पई किंतु मोर ए घरर दायित्व काबो देखिर जीवा को पड़िबो काबो नाम देबा पड़ो गणेश को देइथन ने गणेश छोटो पिला कि तांको देलेनी तांकर बड़ पुओथनी कार्तिकेश्वर कार्तिकेश्वर टिके बड़ होलेनी जानिया सुनिया पुओ होलेनी चंगे हेलेनी गंठ चाडी होलेनी से कहले कार्तिक मो तपस्या रे फेरिला पर्यंत ए राज्य भार तुमे संभालिबो ए घरर भलमंद दायित्व मध्ये तुमे संभालिबो बहुत तुळ सगा घर को आनु शिव चली गले तपस्या करबा पाई केते दिन बीति गला केते वर्ष बीति गला तथापि शिव आउ फेरिले नाही पार्वती ऋतुमती हेतिले तांको कामातुर पीड़ित कला सेतेबेले पार्वती चिंता कले मोर तो स्वामी चली जाइछनी तपस्या करबा पाई मते बे कामातुर पीड़ित कला मु काबु कहिबी मोरे बाधा मु काबु जणैबी काबु कहिबे गुप्त कथा ठीक मोर स्वामी तो भलमंद दायित्व मोर बड़ पुओ को कह दी ए कथा बड़ पुओ को माँ पुओ को कहले तू मो संगे श्रृंगार कर कहले माँ तुम्हें मत जन्म दे तुम्हें माँ मु तुम पु माँ पुओर प्रीति कौटे हब हम से पार्वती कहले मो संगे तू प्रीति करबु नला अभिशाप दे भी मूर्छना बात होबो फाटी फाटी मरजु सेते बेले कार्तिकेश्वर गोटांगे थरिले थरिले हे प्रभु गोलोक बिहार वस्तु मत सेते बेले पार्वती सिंह कार्तिकेश्वर कहले हां आपन को संगे मु श्रृंगार करबी सत किंतु जो जागा को नबो पोको जोको कीट पतंग केही नथिबो इमिति जागा को नेले मु तुमो संगे श्रृंगार करबी करबी पार्वती खंडे दूर जाई चिंता करछनी आको को जागा को नेले मोर मनस्कामना रा पूर्ण हबो ओ ठीक लेले मो कामडा सर्टिफिकेशन न हबो कार्तिकेश्वर मध्ये भगवान को चिंता कले हे प्रभु गोलोक बिहारी हे प्रभु मधुसूदन हे प्रभु करुणा कर हे प्रभु गोलोक बिहारी कृष्ण मते विपद रु उद्धार कर हे विपद रु उद्धार कर कृष्ण कहले तथास्तु तर विपद समय मु निश्चित आबे तो उद्धार करबि हां ता जो करबि ठीक पार्वती मन पड़ी गला एकाम्र वन एकाम्र वन जोडे शिव पार्वती को ब्रह्म ज्ञान सुनाउथले हां सेडे पोको जोको कीट पतंग केहि नांती से जगह को चली गले मां पु मां पु प्रीति करबा पई उपस्थित होई छनी माने प्रस्तुत होई जाई छनी ए समय रे कृष्ण कहिथिले तथास्तु विपद समय उद्धार करबि हां करबि
ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ସର୍ତ୍ତ ମାଗିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନବ ପୋକ ଜୋକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବି। ଏ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ମୟୂର ରୂପ ଧରି ଭୁରୁକିନା ଉଡି ଉଡି ଯାଇକି ମୁଟୁ 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 ଅନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମା ତମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯୋ ଜାଗାକୁ ନବ ପୋକ ଜୋକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନଥିବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ମୟୂର ଦେଖୁଛି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ହବନି। ଏ ତ ଯୋଗ ମାୟା, ଯୋଗ ବଳରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ମୟୂର ରୂପଟି ଧରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶ୍ୟା ବଦଳେ ଯୋ ରୂପ ଧରି ମୋର ଶୃଙ୍ଗାର ନଷ୍ଟ କଲୁ ସେ ଗାଣ୍ଡରବାଳା ଆଗା ତୁ ସବୁଦିନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରୁ। ମୟୂର ରୂପ ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତମର କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା, ତୁମେ ଆମର ପ୍ରୀତି ହବନି ବୋଲି କହୁଛ, ଆମର ମୟୂର ବଂଶ ଲୋପ ହେଇଯିବ? ନାହିଁ ମା, ଆମକୁ ଏସବୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମର ଛୁଆ କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ, ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରୀତି ହବା ଆଉ ମନା କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେବ ମାଇ ମୟୂରୀ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମୟୂରୀ ମେଘକୁ ଦେଖିକିରି ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଅଣ୍ଡ୍ରା ମୟୂରୀ ବାନ୍ତି କଲେ ମାଇ ମୟୂରୀ ଖାଇଲେ ସିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ଆମର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା, ବନି ମୟୂର ମୟୂରୀ ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୂର କୁଚୁଟି ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏ ପିତାଙ୍କର ନାମ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଭାଷା ଠିକ କରେ ଦୁଃଖ ଝିଅ ପିଲାଟି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମୋ ପିଲା କେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ କରୁଛି, ତ ଯିବା ଆଉ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ହୁଗୁଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ଖାଲି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆଇଲା ମାତ୍ରକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଗାଉଛି, ମୋଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଗାଇବାର। ତମେ ପିଲାଟା ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏ କଣ କରୁଛି ପିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଦଉନ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ତମର